आज पुलिस लाइन अजमेर के अंदर जो स्टाफ है उनको रूफटॉप सोलर जो कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है से अवगत कराने के लिए, उनको स्कीम्स के बारे में बताने के लिए कि किस तरह से उसका फ़ायदा ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बारे में बताया गया। और बड़ी उत्साह की बात तो ये रही कि जो स्टाफ था उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के प्रचार प्रसार के लिए पुलिस लाइन में जागरूकता कार्यक्रम अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। जनसंपर्क अधिकारी शफी सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के दौरान पुलिसकर्मी रूफटॉप सोलर तथा इस योजना से संबंधित अपने सभी प्रश्नों के उत्तर एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। उपभोक्ता को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और टाटा पावर के अधिकारियों के साथ सर्विस प्रोवाइडर, वेंडर्स, बैंकिंग प्रतिनिधि की उपस्थिति रहेगी। आज हमारे पुलिस लाइन परिसर में सारे स्टाफ को एकत्रित करके जो डिस्कॉम के अधिकारी, एवीएनएल के अधिकारी और टाटा पावर के अधिकारी यहाँ आए, उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना के बारे में सभी अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी दी है और अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के संबंध में सभी को समझाया है। और अधिकारियों का यह भी मानस है कि पुलिस लाइन परिसर को एक अच्छे नमूने के तरह सबसे पहले सोलर सिस्टम पर विकसित किया जाए और सारी बिजली यहाँ सोलर के आधार पर इस्तेमाल की जाए। यहाँ किस तक लगाने की योजना है सर, किस तक लगा सकते हैं, किस तरह फ़ायदा मिलेगा इसमें? ये जो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का पोर्टल है उस पर आवेदन करने के बाद संपर्क पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा और वेंडर्स लगाने का काम करेंगे। इसमें सब्सिडी देने का प्रावधान है, तो 60% सब्सिडी के प्रावधान की जानकारी आज सभी पुलिसकर्मियों को प्राप्त हुई है और इसमें सभी ने अच्छी रुचि दिखाई है। अति शीघ्र इसमें सभी आवेदन करने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम? रोशन लाल सामरिया, संचित निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाइन अजमेर। ठीक है। आज पुलिस लाइन अजमेर के अंदर जो स्टाफ है उनको रूफटॉप सोलर जो कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है से अवगत कराने के लिए, उनको स्कीम्स के बारे में बताने के लिए कि किस तरह से उसका फ़ायदा ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बारे में बताया गया। और बड़ी उत्साह की बात तो ये रही कि जो स्टाफ था उन्होंने बढ़ चढ़ करके सवाल जवाब भी किए और ये कार्यक्रम एक भाषणबाजी से न रह करके रजिस्ट्रेशन तक लौट कर गया है। लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट भी लिया है और यहाँ पे जो सीनियर स्टाफ है उन्होंने भी काफ़ी क्वेरीज पुटअप किए, तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव प्रोग्राम रहा है। किस तरह से लगाया जाएगा रूफटॉप सोलर के लगाने के लिए? सरकार ने वेंडर सेलेक्ट किए हुए हैं, पोर्टल के ऊपर इनकी लिस्ट दे रखी है। हमने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर यहाँ आए और यहाँ पे सर्विसेज दे सकें। अभी बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं तो वेंडर के थ्रू ये लगवाए जा सकते हैं। दो डिफरेंट कंपनीज के, उनके अमाउंट में भी थोड़ा वेरिएशन है, जैसा आपको सेटिस्फेक्शन लगे आप सेटिस्फाइड हो उनकी सर्विस। क्या बेनिफिट रहेगा इसमें? बेनिफिट ये है कि एक तो जैसा पता है बिजली सबकी आवश्यकता है और बिजली जब बनेगी तो सबको मिलेगी भी और इसके अंदर सब्सिडी दी जा रही जो 78,000 रुपये तक की है 3 किलोवाट तक में, तो फ़ायदा था। ये बिजली की बचत भी है और बिजली पैसे की भी बचत है। गुड नेम सर आपका? मैं सतीश सोनी, जनसंपर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम। थैंक यू।